की सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय स्तर के दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, दोस्तों, अभी हमारे तमाम नेताओं ने आज का ये दिन जो है उसके महत्व को रेखांकित किया बड़े तरीके से कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का ये एक शहादत का जो दिन है और दिन ये कोर की गई है हिंदुस्तान के तमाम दलितों को एक प्रेरणा देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों ने जो हमारे पे बर्बर जो एक संवैधानिक हमला जो किया है उसका मुकाबला करने के लिए आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें और भी तेज अपने हथियारों को करना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके दलित विरोधी जो चेहरा है सारे राज्यों के अंदर दिखाई दे रहा है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो भाजपा की, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, और तमाम जगहों पर ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे भीम आर्मी के जो चीफ है उनको जमानत मिलने के बावजूद उनको अंदर डाल दिया गया। आज हम लोगों को अपने तमाम एकजुटता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के पर्व पर हमें इस सरकार की जो दलित विरोधी जो नीतियां है, जो मनुवादी इनकी सोच है, उसको लेकर के सड़कों पर हमको उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको न्याय मिलेगा साथियों, वरना यहाँ न्याय नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। मैं ज्यादा लंबा भाषण न करते हुए आपके बीच में दो लाइनें सुनाना चाहूंगा और उसके बाद में अपना स्थान में विराम लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, नीट अछूत हरिजन ना होता, नीट अछूत और हरिजन ना होता, धरती को चीर कर सोना उगाने वालों, धरती को चीर कर सोना उगाने वालों, पत्थरों को तोड़कर सड़क बनाने वालों, काश तूने उन खोपड़ियों को तोड़ा होता जो तेरी गुलाबी का मकर जाल बनते हैं। ये है साथियों, आज हमें उन खोपड़ियों को भी पहचानना पड़ेगा जो अपने हमारे दिमाग को मकर जाल का बड़ बना करके हमको गुलाम बनाते हैं। गांव दर गांव ढोर चलाने वालों, दिलों को फैल कर तेल बनाने वालों, काश तूने उन दिलों को फैला होता जो तुम्हें तिल तिल गलाते हैं, काश तूने उन दिलों को फैला होता जो तुम्हें तिल तिल गलाते हैं। सिर पर गूमूत्र उठाने वालों, बलशाली हाथों से झाड़ू ले कूड़ा उठाने वालों, काश तूने उस कूड़े को ढेर को हटाया होता, काश तूने उस कूड़े के ढेर को हटाया होता तो तेरी कौम को कूड़ा बनाते हैं। सदियों से गांव की पहरेदारी करने वालों, मरे ढोरों की खाल खेचने वालों, काश तूने उन मुर्दारों की खाल खेची होती, तो तुम्हें मुर्दा बनाते। साथियों, लास्ट में है चमड़े को गांठकर जूता बनाने वालों, पत्थरों को गढ़कर भगवान बनाने वालों, काश तूने एक ऐसा हथियार बनाया होता, तो आज तू नीत और हरिजन ना हो। धन्यवाद साथियों।